माइंड फॉर्म एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि सभी लोगों के लिए सीटेट की ओर से रिजल्ट जो जारी किया गया है उसमें हम बताने वाले हैं कितने लोगों ने इस सीटेट में फॉर्म भरा था और कितने लोग उपस्थित हुए थे और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है सीटेट एग्ज़ाम। तो CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 17वें संस्करण का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें पेपर वन में 298,758 लोग क्वालिफाई हुए हैं और पेपर टू में 1,01,057 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। अब बात करते हैं बिहार से करीब 4,20,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पेपर में 3,00,000 और द्वितीय पेपर में 1,00,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें पहले पेपर में करीब 24,000, दूसरे पेपर में करीब 50,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जो उम्मीदवार पेपर वन पास करते हैं वे कक्षा 1 से 5वीं तक छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य होगी और जो उम्मीदवार पेपर टू पास करते हैं वे कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए होते हैं। और इसकी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 60% सामान्य के लिए वर्ग के लिए होता है, यानी 90 अंक OBC SC ST और EWS उम्मीदवारों के लिए 55%, यानी 82.5 अंक। परीक्षा 20 अगस्त को हुई थी, ऑफलाइन मोड में हुई थी। इसमें पेपर वन और टू दोनों को मिलाकर 29,00,000 से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत थे। इसमें पेपर वन के लिए 15,17,019, पेपर टू के लिए 14,21,024 लोगों ने भाग लिया था। तो DEd जो रिजल्ट जारी होने पर DLed अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। क्यों है कि DLed अभ्यर्थी इस परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से BPSC की ओर से 24 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का भर्ती का परिणाम जारी करने में विलंब हो रहा था। इसमें अपीयरिंग सीटेड वाले भी शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि कक्षा 1 से 5वीं तक में सिर्फ DLed ही पात्र होंगे। तो आप लोग अगला सीटेड दिसंबर में होने वाला है, उसकी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें। इससे आप लोग चिंतित ना हों, क्योंकि इस बार का जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। उसमें घुमाऊदार प्रश्न पूछे गए थे, उसमें सीधा फैक्ट नहीं पूछा गया था, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर था। इसी कारण लोगों ने कम क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम को और कर पाए हैं। अगला सीटेट दिसंबर में, इसके लिए आप सभी लोग माइंड फॉर्म एकेडमी चैनल से जुड़ें और यहाँ अब अपनी बहुत अच्छी से तैयारी करें। सभी लोगों को माइंड फॉर्म एकेडमी की ओर से नमस्कार।